हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल लर्न स्टिचिंग में स्वागत है। आज हम वर्क वाले ब्लाउज में डिजाइन बनाना बताएंगे। यहाँ पर देखिए, हमने अस्तर को काट लिया है। शोल्डर हमारी 5 इंच है, लंबाई हमारी 15 इंच है, चौड़ाई हमारी 11 इंच है। 6 इंच पे हमने मोढ़े का निशान लगाकर काटा है। ऊपर से हम 2.25 इंच गले के लिए लेंगे और गले की डीपनेस 10 इंच रखेंगे। यहाँ से देखिए बॉक्स बना लेंगे और इस तरह से गले का हम शेप देंगे और अब हम इसे काट लेंगे। तो देखिए हमारा गला कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ब्लाउज के कपड़े को फैलाएंगे पहले, उसके ऊपर हम अस्तर के कपड़े को फैला लेंगे और हर जगह पिन अटैच कर लेंगे। और अब हम देखिए ऊपर से गले की सिलाई लगाएंगे। जिस तरह से हमारा कटिंग है उस तरह से हम गले की सिलाई भी लगा लेंगे। और यहाँ से देखिए बचे हुए बीच के कपड़े को काट कर निकाल लेंगे। हल्का हल्का कट हम पूरे गले के ऊपर लगा लेंगे और अब हम इसे पलट लेंगे। अच्छी तरह से यहाँ पर पलटने के बाद हम ऊपर से गले की सिलाई लगाएंगे। और फ्रेंड, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं या फिर जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। यहाँ पर देखिए अस्तर और कपड़े को मिलाते हुए हम चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने लगा लिया है। यहाँ पर हमने 2.5-2.5 इंच का 2 चौकोर कपड़ा लिए हैं और दोनों को मोड़ते हुए त्रिभुज बना लिए हैं इस तरह से। देखिए अब हम इसे एक के ऊपर एक रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। बीच से कपड़े को वेस्टर्न निकाल देते हैं और यहाँ बीच में रखते हुए इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर देखिए हमने 1 इंच की पट्टी लिया है और इसे हम डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। और अब हम इसे पलट कर डोरी बना लेंगे। तो देखिए हमने डोरी बना लिया है और इसे हम 1-1 इंच की लंबाई में काट लेंगे, सॉरी 1.5-1.5 इंच की लंबाई में हम इसे काट लेंगे। तो देखिए हमने काट लिया है और इसे इस तरह से देखिए रखते हुए अटैच करते जाएंगे। इस तरह से देखिए हम रखते हुए अटैच कर लिए हैं पूरे गले पर। यहाँ पर नीचे का दोनों प्लेट बना लेंगे। तो देखिए हमने प्लेट बना लिया है और यहाँ पर देखिए हम 1 इंच का पट्टी लिए हैं और इसे नीचे साइड रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लिया है। अब हम ऊपर से लैस लगा लेंगे। पूरे गले के ऊपर से हम इस तरह से देखिए लैस लगा लेंगे। यहाँ पर हमने कुछ मोती ले लिया है और यहाँ पर देखिए हम कपड़े को थोड़ा सा टाँकते हुए यहाँ पर मोती अटैच करते जाएंगे इस तरह से। देखिए तो देखिए हमारा ब्लाउज डिजाइन बनकर तैयार हो गया। आपको ये डिजाइन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पसंद आने पर